रहे हैं हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने उत्तरायण मनाने, क्योंकि हम लोग गुजरात में रहते हैं। यहाँ पे उत्तरायण के दिन काइट फेस्टिवल होता है, तो काइट फेस्टिवल एंजॉय करने हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं। हम लोग रहते हैं गांधीनगर में, गुजरात में, और गुजरात में ये जो दिन है उत्तरायण के दिन बहुत ही मतलब फेमस और मतलब मीनिंगफुल है इन लोगों के लिए। तो ये जो आप रोड देख रहे हो ये एक हाईवे है, ये जो रोड है ये राजस्थान जाते उदयपुर जाते ये रोड, तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है इस रोड पे, मतलब कार वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। आज उतना नहीं है, आज बहुत खाली खाली है, क्योंकि उत्तरायण के दिन छुट्टी मनाते हैं लोग, घर पे एंजॉय करते हैं, तो ज़्यादातर लोग घर पे ही आज पतंग उड़ा रहे होंगे। तो हम जा रहे हैं घूमने। चलिए मैं आप लोगों को गांधीनगर का ग्रीनरी भी कुछ दिखा देती हूँ। ये देखो कितने सारे पेड़ वगैरह है यहाँ पे, अच्छा लगता है देखने में। अब हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 21, ये गांधीनगर का जो मार्केट एरिया है ये है वो मार्केट एरिया सेक्टर 21। यहाँ पे आज सारे दुकान वगैरह सब बंद है, लोग भी बहुत कम हैं, क्योंकि अभी सुबह का 11:30 बज चुका है। मतलब जो और दिन होते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कार वगैरह बहुत मतलब भीड़ होता है इसी जगह पे। आज तो देख के लग रहा है किसी और जगह में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि इतना खाली खाली कभी होता नहीं है। तो आज के दिन थोड़ा खाली मिल रहा है हमें ये जगह, तो हम बाइक में जा रहे हैं। आज हम लोग बाइक से निकल पड़े, तो थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? ओह अच्छा, यहाँ पे एक मिठाई का दुकान है, तो इसीलिए थोड़ा भीड़ यहाँ पे है, क्योंकि आज के दिन क्या होता है ना, सब रिलेटिव मतलब जो रिश्तेदार है सब आते हैं घर पे, तो इसीलिए मिठाई, ढोकला, खमन, पात्रा, खांडवी, जलेबी, चिक्की, ये सब लोग घर पे लेके जाते हैं, कोई कोई बनाते भी है घर पे। तो ये है वृंदावन मिठाई का दुकान, ये भी काफ़ी फेमस है गांधीनगर में, सेक्टर 21 का दुकान है एक। तो चलिए आगे आगे देखिए क्या क्या है। फिर एक ये ना खांडवी ये ना खांडवी कैसे दे रहे हो भाई? ये पता नहीं, आगे से पूछ रहा है, आगे से पूछ रहा है। इसका क्या नाम है? सेव खमनी। मैं आ गई वो जगह में जहाँ पे मैं पहले रहती थी, यह है गांधीनगर के सेक्टर 13, और मैं पहले यहाँ पे रहती थी 1 साल पहले। और यहाँ पे ना काइट फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं इंजॉय करने यहाँ पे आ गई हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है यहाँ का काइट फेस्टिवल। पता है गाइस, मैं आज उस घर में आई हूँ जहाँ पे मैं पहले रहती थी 1 साल पहले, इसी घर में मैं रहती थी, और ये था हमारा घर। यहाँ पे कोई और रहते अभी, तो ये था हमारा घर। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यहाँ पे, सब मुझे जानते भी है क्योंकि मैं 1-1.5 साल तक रह चुकी हूँ यहाँ पे। और आज ये फेमस दिन पे मैं यहीं पे आ गई। तो ये था हमारा बालकनी, यहाँ पे मैं कपड़े सुखाती थी, सब कुछ करती थी। तो ये है वो जगह। एक्चुअली क्या है, इसके जो नीचे वाले फ्लोर में है हमारे एक फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड रहता है, तो हम उनके घर पे आए हैं, फिर उन्हीं के छत पे हम जाएंगे ये काइट फेस्टिवल देखने के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पे और दिखाऊंगी आपको। तो मैं फिलहाल आ गई हूँ छत पे और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के लोग कैसे इंजॉय करते हैं। और आंटी जी को भी मैं दिखाऊंगी, मैं इस घर में रहती थी और आंटी जी के साथ मतलब मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था ये, पर अहमदाबाद तो जा नहीं पाए इसीलिए गांधीनगर में ही लोग
कैसे इंजॉय करते हैं मैं वो दिखाऊंगी। एक्चुअली मारना था ना, छत से कुछ नहीं करता। ये मत कर, अब तेरे माथे पे गिरेगा, मतलब उसके माथे में वापस गिरेगा, फिर तेरे को ठोक गाली। ध्यान ही फोड़ा देती अभी आंटी। कब तक उड़ाते हो आप लोग? हाँ, आपकी चैनल का नाम प्रियदर्शनी वर्ल्ड। नाम का स्पेलिंग भी बता दो। हाँ बता देंगे। हाँ बहुत कम दिखाई दे रहा है, धूप इतना ज्यादा है ना, तब तक तो रहेंगे नहीं, शायद चले जाएंगे। हाँ फोन के कैमरा से जूम उतना हो नहीं पा रहा है, बट जितना हो रहा है मैं दिखा रही हूँ। लेडी ने अभी ये वीडियो मतलब ये कर रहा है, ये इनका क्या है डाइट चार्ट में, सुअर का चर्बी का जूस सुबह 2 बार एटलीस्ट 1 ml करके लेते हैं, तभी जाके इनका इतना बढ़िया फिगर है। छी छी छी, लोगों को डीमोटिवेट करो। मकड़ी की टांगों का बिरयानी क्या क्या क्या? मकड़ी की टांगों का बिरयानी भी डाइट में है ना। अच्छा अच्छा, तुम्हें भी खिलाएंगे। क्या स्पेशल खाना खाते हो, क्या करते हो वो बताओ सबको। ये घर पे ही बनाते हैं? घर पे ही बनवाता है। अरे वाह, बनवाता है तल की चिक्की। अच्छा, ममरा का लाडू। और इस दिन पे सब आपके घर पे आते हैं, मतलब रिश्तेदार बेटियां सब आते हैं ना, वो आते हैं एंजॉय करने के लिए। हाँ ये देखो आंटी की बेटियां, दोनों बेटियां, और तीसरी बेटी तो भुज में ही है अभी। हाँ ये है सबके बच्चे, बच्चे सब लेके आए हैं एंजॉय करने के लिए। अच्छा अच्छा, आप तो हाँ पड़ोस वाली है। हाँ तो और एक बेटी नहीं आई? वो भी नहीं आई। अच्छा अच्छा, हाँ इसकी मम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भूल गई। तो गुजराती में बोलेगा क्या, कैसे हिंदी हिंदी में बातें कर रहे हो? गुजराती में समझ में नहीं आएगा ना लोगों को। हाँ लिया ना, वो बोल रहे थे ना कि मैं सुअर का चर्बी क्या सब खाती हूँ। हर जगह भी लेट जाता है, घर पे भी। না তো ফোন ক্যামেরা এনলার্জ করলে না, জুম করলে একটু ফেটে ফেটে যাচ্ছে, ক্লারিটি ভালো আসছে না। কিছুটা তো দেখা যায়। হ্যাঁ তাহলে ডিএসএলআর কখন কিনবে? ইউটিউবে চ্যানেল আছে তো, কিন্তু আনি নি রে। হ্যাঁ তোমার তো নিকনের আছে না। और मैं जब पहले यहाँ पे रहती थी ना, काइट
अगले दिन मेरे छत पे भर जाता था, इतने सारे काइट्स होते थे, 100-200 काइट यहीं पे पड़े रहते और सब लोग एंजॉय करते, सब सब अच्छे कपड़े वपड़े पहन के सज धज के एकदम छत पे आ जाते हैं और मनाते काइट फेस्टिवल। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा? जो जिन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे काइट फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, तो आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इट्स फ्री। और आप एक सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को प्रेस करोगे, इसका मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आगे आगे देखते रहिए वीडियो, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है। सुना तो बुद्धि हो। ये आंटी ने चिक्की घर पे बनाया, देखो। अरे अंकल तो, खाना खा रहे। ये है हमारे एवरग्रीन अंकल, तो ये आंटी ने बनाया, ये भी बनाया ये नेचर ने बनाया, सबको पता है। कैसा है? टेस्टी ना? पालना छोटी। ये वाला 250 ग्राम पैक कर दो। हाँ, ज़्यादा नहीं, दो ही बंदे खाएंगे। ये है गांधीनगर का फेमस मिठाई का दुकान। मिठाई मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे। हम उंधियो लेने के लिए आए हैं। उत्तरायण के टाइम खाया जाता है। हाँ, उत्तरायण के टाइम ज्यादातर ये खाया जाता है। सब्जी टाइप का ही है। हाँ, सब्जी टाइप का, थोड़ा मीठा मीठा मीठा। अभी हम लोग दोपहर के टाइम बाहर ही खाना खा लिया, किसी के घर में खाना खाया, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स जिनके घर हम आए थे उन्हीं के घर हम लोग लंच कर लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा उंधियो ले लिया और रात को हम लोग रोटी के साथ यही खाएंगे। थोड़ा मीठा मीठा सा सब्जी गुजराती डिश है ये, जो आज के दिन में मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन भी खाए जाते हैं। ये ऑयल में बनाया जाता है, फूल एकदम ऑयल ज़्यादा होता है, बट ठीक है, सीजनल फूड है, खाना तो चाहिए ना। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। घर में बहुत सारा काम बाकी है करना, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े थे ये सब करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अब एंजॉय पूरा ख़त्म, अब घर जाके घर का काम ख़त्म करेंगे, फिर खाना वाना खा के सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को मुझे लगता है अच्छा लगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता था गुजरात में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है। और ये वाला अटायर देख के आप लोगों को अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं अब तक दूसरी ड्रेस में थी, अभी ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैंने ऊपर ही इसको पहन लिया, क्योंकि टैन ना हो जाए इसीलिए, और कुछ नहीं। तो ओके बाय, चाचा आज वीडियो यहीं तक रखती हूँ, मिलती है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।